एक्चुअली हम तो नेपाल से वापस आ रहे थे, हनीमून पे गए थे। तो वापसी आते हुए उसी दिन आना था, 8 दिन बाद पहुंचे घर पे। तो वहां पर अंदर एक्चुअली हमें नहीं पता था कि बाहर इतना बड़ा ये हो जाएगा कांड। बट अंदर तो उन्होंने 2 दिन तो हेड डाउन कराए, तो कुछ भी नहीं पता चला कि हुआ क्या। हाईजेक का नाम ही नहीं सुना था कभी। तो कितने लोग 176 पैसेंजर्स थे उसमें, और क्रू एक्स्ट्रा जो भी थे 5 थे। हाँ जी, उन्होंने बस जैसे ही हम फ्लाइट चली और आधे घंटे बाद ही उन्होंने उठ के बोल दिया कि आपका प्लेन हाईजेक हो गया, हेड्स डाउन कर लो। तो उसके बाद तो जो सीरीज में दिखाया है वैसा ही सब कुछ है। हम तो सब डरे हुए थे, सबकी हालत ही बुरी थी उस वक्त। पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है, वो तो नेक्स्ट डे जाके पता चला। हमें तो 8 दिन ये भी नहीं पता था कि हम कहाँ पे, प्लेन कहाँ पे खड़ा है। उसके बाहर यहाँ पर आके, इंडिया आके पता चला कि कांधार में थे हम 8 दिन। और क्या हुआ अमृतसर में हमें कुछ नहीं पता। सिर्फ जो कैप्टन बोलते थे कि अब हम यहाँ पे लैंड कर रहे हैं, थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, संभालना, बस यही सुनता था। खाना भी नहीं खाया था मैं कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक एप्पल छोटा सा मिला था, बस इतने दिन में, कुछ नहीं हुआ। तो कुछ नहीं खाया। किस तरीके से मतलब कह सकते हैं कि माहौल था अंदर का शुरू के 2 दिन थोड़े से टेंस थे, बस उसके बाद एक उनमें से जो बर्गर था टेररिस्ट, वो थोड़ा फ्रेंडली था। उसने थोड़ा, क्योंकि पैनिक अटैक हो रहे थे लोगों को, उसने थोड़ा फ्रेंडली वो क्या कोप अप किया लोगों के साथ। तो वो थोड़े उनसे गाने भी गाता था, अंताक्षरी भी खिलवाता था, उससे थोड़ा बेटर रहा। क्या मैसेज देना चाह रहे थे लोगों को इस चीज का, मतलब क्या मैसेज दिया जा रहा था? हमें तो उन्होंने बहुत कहा कि इस्लाम धर्म अपना लो, इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है। जो एक मेन डॉक्टर था उसमें, जिसको डॉक्टर के नाम से बोलते थे, वो बहुत स्पीचेस देता था कि इस्लाम धर्म को अपना लो। जो सीरीज चल रही है हाईजेक वाला, हाँ जी, जासूस वाला, इसको लेकर कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा है। पता नहीं क्यों इसको कंट्रोवर्सी ले रहे हैं, एंटरटेनमेंट है, उसके हिसाब से देखना चाहिए। भोला शंकर उनके नाम थे, उन्होंने रखे हुए थे और वो बोलते थे, तो वो ट्रू है। ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने अपनी मर्जी से बनाया है। वो ले रहे थे इस टाइम पे नाम, हाँ, वो भोला शंकर ही बोलते थे, उन्होंने वैसे रखा था उसके लिए या वैसे ही नाम रखा था कोड उसके नेम लिए? होंगे उनके तो, बट भोला शंकर ही थे। ये तो कंट्रोवर्सी में आ गया कि इन्होंने बनाया नाम, बट वो थे, हमने भी सुने हैं। वो बोलते थे, भोला इधर आओ, भोला आएगा, अब शंकर इधर आओ, ऐसे करते थे वो। तो आपने देखी है सीरीज किस हाँ तरीके जी, से, हाँ जी, तो देखिए। क्या फील हो रहा था इस सीन में, उस सीन में? मैं तो मतलब फर्स्ट एपिसोड के बाद तो मैंने बंद कर दी, देख नहीं पाई, बट फिर भी देख ली। तो ऐसा लग रहा था कि सेम जो सिचुएशन हुई थी वही सेम दिखाया है, कुछ अलग नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ कम नहीं है, सब कुछ अगर वैसे ही। बात कीजिए जैसे गवर्नमेंट की, तो किस तरीके प्रशासन की क्या कुछ कमी है इस गवर्नमेंट चीज थोड़ा में? बस अमृतसर में चूक गई, कमांडो अटैक होना चाहिए था। पता नहीं उस पर कैजुअलिटीज कितनी होती ये नहीं पता, बट होना चाहिए था, तो ये मसूद को नहीं छोड़ा जाता। वैसे में सवाल उठाए जा सकते हैं, क्या माना जा सकता है कि प्रशासन उसको अच्छी तरीके से मतलब सामना हाँ, नहीं कर गवर्नमेंट पाया? फेलियर तो था, देखिए ये तो, मानते हैं हाँ सब मानेंगे, ये तो मानेंगे, जितने लोग सब थे सब मानते सब हैं। मानते हैं। छूटने के बाद क्या रिएक्शन था सब लोगों का? छूटने के बाद हमें तो खुशी थी कि हम तो चलो सेफली आ गए, बट ये था कि अगर उस वक्त ही कर देते तो इंडिया से बाहर ही ना जाते, अमृतसर से बाहर ही ना निकलते। कर देना चाहिए था इनको अटैक।